बच्चों, मैंने 2022 और 2023 दोनों बार नीट का एग्जाम दिया था। 2022 में मेरे मार्क्स थे 335 और 2023 में 355। तो मैं टीचिंग तो मैं पिछले 15 सालों से कर रही हूँ। ऐसा एक साल में क्या हो गया कि मुझे ये 20 मार्क्स का जंप मिल गया? इसके तीन रीजन है। पहला रीजन, 2022 में पेपर मुश्किल आया था, 2023 में पेपर थोड़ा सा आसान आया था। दूसरा रीजन, पहले जो मैं बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती थी वो मैं दूसरों के बनाए हुए क्वेश्चंस या बुक से बनाए हुए क्वेश्चन से कराती थी। इस बार मैंने क्वेश्चन खुद बनाया। क्वेश्चन बनाओगे तो आप एनसीईआरटी कितना ज्यादा ऐसे ऐसे लाइन लाइन से क्वेश्चन ले लेके फिर पढ़ोगे और क्वेश्चन बनाओगे। और तीसरी चीज जिसने डिफरेंस किया, मैंने लास्ट वाले दिन, लास्ट के दो दिन लगा लो, मैंने उन चीजों की एनसीईआरटी पढ़ी जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊं। प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स हो गए या मान लो इकोलॉजी में कुछ फैक्ट हो गए, तो क्या रिवाइज कर जाओ, लास्ट बार रिवाइज कर जाओ, तो देखो ऐसे ऐसे निकल निकल के आएगा जब आप एग्जाम दो। ठीक है, आई होप ये टिप्स आपको काम आई होंगी। और पेपर तो अब मर्जी पे है, देखो जो बनाएंगे कैसा बनाएंगे 2024 का। बेस्ट ऑफ लक।